कल की खौफनाक रात के बाद आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो खुद को जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। रात के तूफान के बाद सुबह की ये मासूमियत बहुत अच्छी लग रही है। सुबह के 6:30 बजे हैं, नदी में पानी का बहाव रात से थोड़ा कम है और हर तरफ हरियाली है। सच कहूँ तो नज़ारे बड़े मस्त हैं। रात भर बारिश होने के बाद अगली सुबह जैसी होती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है, भीगी भीगी सी, जैसे कि कुदरत नहा गई हो। बादल फटने की वजह से ये खूबसूरत से झरने शैतानी नाले में बदल जाते हैं। कल रात के कंपैरिजन में पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, पर जगह नहीं समझ आ रही कहाँ से पार करूं। तो जी, स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग पिस्ट पे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पता होगा मैं यहाँ आकर के फंस गया था, इस नाले को पार नहीं कर पा रहा था। पानी का बहाव बहुत तेज़ है और इतना भारी बैग लेके पार करना वाकई इम्पॉसिबल सा है। सो आज है मेरे लाहौल स्पीति बाई वॉक ट्रिप का डे 48। जगह है कोठी से करीब 5 किलोमीटर पहले, इसके 3 किलोमीटर आगे पलचान आएगा, फिर मनाली आएगा। तो आज एक तरह से आखिरी दिन है इस मेरी वॉकिंग ट्रिप का। मैंने वहाँ से ट्राई किया था क्रॉस करने का, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि मैं कर ही नहीं पाया कल रात, और वैसे भी अंधेरा था, 7:45 बजे का टाइम था। अब सुबह के 6:30 हुए हैं, पैकिंग करता हूँ और फिर कोई अच्छा सा रास्ता देख के जहाँ से पार कर सकूँ तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो देखते हैं कहाँ से पार निकल सकते हैं, आज का चैलेंज है ये। टेंट पूरा गीला हो चुका है, सनराइज होने के चांस नहीं है। आज वैसे भी बारिश लिखी है पूरा दिन, तो गीला ही टेंट में पैक करने लगा हूँ। चलना शुरू कर दिया मैंने, एक बार अपने कैमरा का वाटर प्रूफिंग वाला केस लगा देता हूँ, पता लगे कुछ मिस हैपनिंग हो और मेरा कैमरा ही गया। देखते हैं कहाँ से बाहर निकला जाता है, थोड़ा घूम फिर करके देखना पड़ रहा है कि क्या करना सही है। इधर पानी काफ़ी गहरा लग रहा है मेरे को, पर शांत है। यहाँ से अटैम्प्ट करने के पहले मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार उस पाइप और उस खंभे के नीचे जाके देख लेना चाहिए कि क्या सीन है। चप्पल पहनी हुई है और पैंट ऊपर फोल्ड कर ली है। बहाव तो बहुत तेज है इधर भी, जिस तरह की जगह है उसको देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ से कोई पार करता है, ये वैसी जगह देख के लग ही नहीं रही। थोड़ा आगे आए थे सोच के कि यहाँ देखता हूँ यहाँ से कोई रास्ता होगा, पर जहाँ पत्थर है वहाँ बहाव भी ज़्यादा तेज है, स्लो नहीं हुआ है, और इस जगह से जाना तो वाकई मुश्किल होगा। एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से ऐसे लंबाई में पार कर लेता हूँ और उन पत्थरों के ऊपर से आगे पहुँच जाता हूँ। थोड़ा करंट कम है इस तरफ पर बहाव तो वैसा ही है। तुम लोगों को भालू से डर नहीं लगता, यहाँ घूमते रहते हो, कोई मिल जाए तो हेल्प हो जाएगी थोड़ी, पर कोई है ही नहीं यहाँ। पता नहीं कितने दिल से मैंने किसी के मिलने की प्रार्थना की थी, जरूर सच्चे दिल से की होगी, तभी तो ऊपर वाले ने इन दोनों को मेरी मदद करने के लिए भेज दिया, जिन्हें देखते मेरे मुंह से निकला मेरे को भी ले चलो भाई, रुक जाओ, पार जा रहे हो पार, सही टाइम पे दिखे हो, परेशान हो गया मैं इतना एक्साइटेड था और इतना जल्दी में कि कैमरा का रिकॉर्डिंग का बटन तो प्रेस किया, लेकिन ये चेक नहीं किया कि रिकॉर्डिंग ऑन हुई कि नहीं हुई। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, इस बात का पता मुझे दूसरी तरफ जाकर पता लगा। तो इस पूरे स्ट्रगल को एक बार मैं बोलकर बताता हूँ। तो हम तीनों पानी में उतरे, आगे वो दोनों थे पीछे मैं था, और इसे पार करने की ना एक पूरी टेक्निक है जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, तो हम बारी बारी से चल के इन पत्थर के ऊपर खड़े हो जाते थे। तो पहले पानी में उतरे, फिर एक पत्थर पे चढ़ के खड़े हो गए, फिर वहां से फिर पानी में उतरे, दूसरे पत्थर पे चढ़ के खड़े हो गए। ऐसा करते करते जो ज्यादा गहरा पानी था और जहां पर पानी का बहाव तेज था, हमने उसको अवॉइड कर दिया। लास्ट वाला हिस्सा बड़ा और गहरा था, उसे तो पानी में उतर के ही पार करना था। इनमें से एक भाई वो उस नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। उसके बाद जब मैं पानी में उतरा तो उस भाई ने अपना हाथ दिया मुझे और उसे पकड़ के मैं पानी के दूसरी तरफ निकल गया। इस सब को करने में 8 मिनट का टाइम लगा। ये बहुत एक्साइटिंग था भाई, बहुत मजा आया था। काश वो रिकॉर्डिंग हो गई होती ना तो आपको भी देख के मजा आता। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेवियर्स टू यू। ये मिले लोतराम और ये श्यामलाल, इनकी हेल्प से मैंने कर लिया रास्ता क्रॉस। अकेले होता तो भाई इम्पॉसिबल ही था, ये दोनों अचानक आ गए। हाँ मैं वहाँ टेंट लगा के रुका था, बच गया मैं। कल मैं वहाँ से घुस गया, आधे रास्ता आया फिर देखा आगे तो बहुत तेज बहाव है और गहरा था, 8 बजे अंधेरे में क्या पार करता है, फिर वापस चला गया, फिर टेंट लगाया। मैं कैसे सुबह देखूंगा, सुबह पानी का बहाव मतलब कम होता है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई यार दुख हो रहा है। यहाँ मैं रुक गया था झरने के साथ, ये झाड़ियों की वजह से मेरे को रास्ता दिखना बंद ही हो गया। तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, पहुँच गए पावर प्लांट। चलो थैंक यू लोतराम भाई, आप नहीं आते तो मुश्किल होता। थैंक यू श्यामलाल भाई, मिलते हैं फिर कभी, बाय बाय। जैसा आपने पिछले एपिसोड में देखा था ना कि कल रात में बिना कुछ खाए पी ही सो गया था, अब जोरों की भूख लगी थी। अब अगला टारगेट है कोठी पहुंच करके कुछ खाने का। अब इस पावर स्टेशन से लेकर के कोठी तक का जो सफर है ना वो बहुत मस्त है, पैदल चलने में बहुत मजा आ रहा है।
रात भर बारिश होने के बाद जगह जगह पहाड़ से झरने फूट पड़े हैं, भीगी भीगी सी रुत है, भीगे से पहाड़ हैं, भीगी सी सड़क है और भीगा हुआ मैं भी हूँ। न पूरी तरह से तेरा चेहरा भूला मेरे जान, न पूरी तरह से तेरी बातें याद। By the way, अगर आप मनाली के आसपास कोई पीसफुल सी जगह पे रुकना चाहते हो तो आप कोठी को कंसिडर कर सकते हो। ये जगह वाकई खूबसूरत है और बहुत पीसफुल है। आसमानी जान। तो जैसे जैसे मैं मनाली के करीब आ रहा हूँ, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड की जो तबाही हुई है वो ज्यादा साफ तरीके से दिख रही है। आप इस सड़क का हाल देखो, कितना बड़ा पत्थर लैंडस्लाइड के साथ नीचे सड़क पर आकर गिरा और इसको अभी तक हटाया भी नहीं गया है। सब लोग कितनी तकलीफ के साथ यहाँ से आ जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम शायद किसी बड़े लैंडस्लाइड को साफ करने में बिजी, इसलिए यहाँ आने की उसको फुर्सत नहीं हुई। आप सड़क के दोनों तरफ देखो, ये मिट्टी कितनी ज्यादा है, तो सोच सकते हैं जब लैंडस्लाइड यहाँ हुआ होगा तो क्या हाल रहा होगा। तो यह सुबह के 8:30 बजे हैं, या तो रेस्टोरेंट खुले नहीं है और जो खुले हैं वहाँ पर अभी तक खाने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है। थोड़ा आगे चल के कोठिया हाइट्स के नाम से मुझे एक रेस्टोरेंट नजर आया और जब मैंने उनसे पूछा कि खाने का कुछ मिलेगा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आ जाओ, पराठे रेडी हैं। वेरेवर बट बाहर धूप है, शायद गर्मी लगेगी तो अंदर ही बैठता हूँ। यहाँ की धूप नाजुक है। अच्छा, यहाँ की धूप नाजुक है, शायद मैं वॉक कर गया इसलिए ऐसा है। सर इनकी दीवार में लग गया, मतलब छोटा सा दरवाजा है, टकरा गया वो भी बहुत बुरी तरह से, एक खड्डा जैसा पड़ गया सर के अंदर, ऐसा था जैसे कोई चीज बाहर निकली हो चोंच की तरह और घुस गई सर में, ब्लड निकल रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर पहले पलचन से मैंने ब्रेकफास्ट किया है और ये कोठी हाइट्स है। दोस्तों चटनी दे दी इन्होंने और चाय दे दी साथ में, बटर भी है। वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट। नाश्ता में 2 पराठे और 1 कप चाय, और भाई ने डिस्काउंट दिया सिर्फ 90 रुपये चार्ज किया मुझसे। ये था कोठी हाइट्स, फ्रेश भी हो गया। अब यहाँ से मैं वॉक कर रहा हूँ और वॉक करके पहुँचने वाला हूँ सबसे पहले पलचान, विच इज़ हार्डली 1.5 किलोमीटर नाउ। दिस इज़ द रोड। ये देखें, ये वो पुल है जो ब्यास के ऊपर बना हुआ है। ये हाईवे है जो आप देख रहे हो जो जाएगा मनाली तक। हेलो जी, पहुंच गया मैं इस रोड के ऊपर। अब यहाँ से आगे के लिए ट्राई करना है कहाँ जाना है, तो ये रास्ता जा रहा है अटल टनल। यहाँ से देखते हैं बस स्टैंड के लिए क्या मिलता है। मेरे लिए ये मोमेंट थोड़े सैड हैं। सच कहूँ तो बड़े शहरों की ये भाग दौड़, ये तेजी थोड़ा सा डरा रही है। पिछले 48 दिन तक मैं जहाँ था ना, आप उसको जन्नत का नाम दे सकते हो। पलचन पहुँचने के बाद मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे मनाली पहुँचने के लिए बस एक बस लेनी है। जो बस आती है वो रुकती नहीं है, या फिर बस आ ही नहीं रही है। किसी को लिफ्ट के लिए हाथ दो तो या तो वो रुकते नहीं है, और जो रुकते हैं वो कहते हैं कि हम आगे तक जा नहीं रहे हैं। 12:30 हो गए हैं और वहाँ खड़ा होकर के मैंने करीब 1 घंटे तक वेट किया, लेकिन न कोई बस न कोई लिफ्ट। तो मुझे लग रहा है मनाली बस स्टैंड पर ही मेरा वॉक कंप्लीट होगा। सामने लगे माइलस्टोन के हिसाब से 8 किलोमीटर है। एप्पल का सीजन है, देखो लाल लाल एप्पल कैसे लगे हुए पेड़ के ऊपर, है ना। जी चाह रहा है हाथ बढ़ाऊँ, तोड़ूँ और खाऊँ, पर ऐसा कर नहीं सकते। चीटिंग है, चोरी है, जो मैं तो बिल्कुल नहीं करता। बट अच्छा दिख रहा है, देखो कितने अच्छे अच्छे से हैं, एकदम क्लोज। मनाली के बस स्टैंड पहुंचकर मैंने वहां से कुल्लू के लिए एक लोकल बस ली। रास्ते की जो हालत मैंने देखी, जो नज़ारे मैंने देखे, उसको देख के ऑनलाइन देखी हुई हर वीडियो के ऊपर मुझे यकीन होने लगा। जो मंजर यहां के थे वो बहुत भयानक थे। हर तरफ थी तो बस तबाही। नदी में पानी तो कम हो गया था, लेकिन मलबा, टूटी गाड़ियाँ, उखड़े पेड़, टूटे पुल, घरों की छतें, ये सब अभी भी नज़र आ रही थी। ये सब देख के मैं बहुत उदास हुआ और मुझे एहसास हुआ कि इस सब के कंपैरिजन में मेरा जो स्पीति का स्टे है वो तो जन्नत से कम था ही नहीं। आई वॉज इन हेवन। मंडी पहुंचकर मैंने एक और बस ली और सुबह के 2 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचा। तो इस तरह से समाप्त हुई मेरी लाहौल स्पीति की एक लंबी वॉकिंग सीरीज। मैंने क्या सीखा? तो मैंने सीखा कि जिंदगी अभी भी जिंदा है, लेकिन कहाँ, इन बड़े शहरों में नहीं, बल्कि कहीं दूर उन पहाड़ों में, उन लोगों में, जो आज भी अपनी छोटी छोटी सी खुशियों के बड़े से मायने ढूंढ लेते हैं। जहाँ आज भी लोग अपने आसपास कम चीजों के होते हुए दूसरों के साथ शेयर करते हैं। जहाँ आज भी वो जज्बा मौजूद है जिसे हम इंसानियत कहते हैं। तो अभी कुछ दिन लगेंगे मेरे इस लाहौल स्पीति के हैंगओवर को उतरने में, तो कुछ और दिन आपको ये जर्नी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स।
लेकिन होगी नए रूप में, आपको मजा आएगा। और इसके बाद हम मिलेंगे केरला में। गुड बाय फॉर नाउ, अपना ध्यान रखिए। किसे महल दी रानी वरगा, दिल करे दे नाम तेनू दे ही दवा, रब दी कोई